अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल कंटिन्यू रीडिंग यूनिट 2 पेज 15. द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड. ग्रे लैंड और ग्रे स्काई से मैं उदास हो गया. आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक एहसास हुआ, डेट आई वॉज एन ऑर्फन, कि मैं एक यतीम हूँ. एंड आई बिगेन टू क्राई, और मैं रोने लग गया. Hold your noise, cried a terrible voice. जब वो रो रहा था तभी एक खौफनाक सी आवाज़ आई कि चुप कर जाओ. It came from a man. किसने आवाज़ दी थी? एक मैन ने, who had just stepped out, जो अभी अभी बाहर आया था, from behind a gravestone, किसी कब्र के पत्थर के पीछे से निकल के. Keep still, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, और आई विल कट योर थ्रॉट, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा. दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, वो मैन जो था वो बहुत खौफनाक था. ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ्स, वो उसने क्या पहना हुआ था? रफ ग्रे क्लोथ्स. एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, और उसके लेग के साथ एक बड़ी सी आयरन चेन बंधी हुई थी, जो ज़्यादातर कैदियों को बांध के रखते हैं जेल में. ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट, वो जेल से भागा हुआ कैदी था. हिज शूज वर ब्रोकन, उसके जूते टूटे हुए थे. एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, और उसने अपने सर पे एक पुराना रुमाल बांधा हुआ था कपड़ा. ही वॉज डर्टी फ्रॉम बींग सोक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डिचेस, जब वो जेल से भागा था तो वो जाहिर है घड़ों में गिरा होगा, तो डिचेस में जब वो गिरा तो उसके कपड़ों पे मड लग गई और वो डर्टी हो गया. ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स, नेटल्स होते हैं कांटेदार प्लांट्स, उससे इसको स्क्रैचेस पड़े थे, जब वो भाग रहा होगा तभी पड़े होंगे, एंड स्टोन्स और पत्थर के. ही लिम्प्ड एंड शिवर्ड, वो लंगड़ा रहा था और कांप रहा था. एंड ग्लेयर्ड एंड ग्राउल्ड, उसका सांस फूला हुआ था भाग भाग के. हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड एंड ही सीज्ड मी बाय द चिन, उसके दांत बज रहे थे और उसने मुझे कहाँ से पकड़ा हुआ था? चिन से, जिस तरह ये पिक्चर में पकड़ा हुआ है. ओह डोंट कट माई थ्रॉट, प्लीज़ मेरा गला मत काटें सर, आई प्लीडेड इन टेरर, मैंने डर से फरियाद की. नाउ डिक्टेशन वर्ड्स, रियलाइज्ड, टेरिबल, ग्रेवस्टोन, फ्राइटेंड, एस्केप्ड, शिवर्ड, स्क्रैचेस, नेटल्स, सीज्ड, प्लीडेड. थैंक यू अल्लाह.